दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात BCG की करेंगे, तो ये वीडियो कल भी मैंने वीडियो बनाया था, पर ये वीडियो बनाने का जो रीजन है वो आपको आगाह करना है। तो मैंने जिस तरीके से उस किसी भी शेयर के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जब वो शेयर जाता है आगे या जो शेयर में जिस कोई भी चीज़ अगर अप एंड डाउन होती है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट किया जाए। तो ऐसी एक अपडेट है जो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल लग रही है, और उस अपडेट के हिसाब से चीज़ें ऐसी होती हुई देखने को मिल रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शेयर में जो पास्ट में हुआ है ये लोग ट्रैप हुए हैं, सेम सिचुएशन दोबारा ना बन जाए शेयर के अंदर। सच एज ऐसी कोई सिचुएशन जो फंडामेंटल साइड से होती हुई देखने को नहीं मिल रही है, बट कुछ सारी चीज़ें हैं जो शेयर के अंदर जो तेजी का कारण था वो उन न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और वो जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कुछ शेयर के अंदर। तो BCG उनमें से एक है, और ये जो न्यूज़ है उसके ऊपर बात करेंगे, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, और ये यहाँ शेयर के अंदर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है इसके ऊपर सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो उससे पहले से रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन है जो वीडियो का सबसे पहले आप तक आ सके। तो फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पे वीडियो डाला है IULCP के ऊपर, तो IULCP में काफी टाइम से थोड़ी सी गिरावट हमको होती हुई देखने को मिल रही है, और इस शेयर में अभी क्या कर सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने शेयर की है। तो जैसा कि मैंने कहा BCG की बात करते हैं, तो BCG 36.35 रुपए पे चल रहा है शेयर, और ये जो क्लोज हुआ जो बुधवार थर्सडे के दिन वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे हुआ। शेयर में एक तेजी देखने को मिलती है स्टार्टिंग के दिन, उसके बाद शेयर के अंदर एक नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिली। तो यहाँ पे दो चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं हमेशा बोलता हूँ नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वो अच्छी रहती है किसी भी शेयर के लिए, तो इस शेयर के लिए भी अच्छी है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो अभी अपडेट दिया है वो काबिले तारीफ नहीं है, उससे काफ़ी सारे डाउट्स पैदा हो रहे हैं, और ये डाउट्स इन्वेस्टर्स के मन में होने भी चाहिए, क्योंकि अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ करना, उसको सेव रखना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी कंपनी पे या कोई भी हो आंख बंद कर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलिए, अगर कंपनी में ऐसा कुछ होता है तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। 5 दिन की बात करें तो शेयर में 1.96% की तेजी है, 1 महीने में 15.91 की तेजी हमको होती हुई देखने को मिली है, और बाकी जो चीज़ों की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये शेयर पहले भी जो कमेंट्स आते हैं कि सर ये पहले भी इस तरीके की चीज़ें कर चुका है, और मैनेजमेंट जो प्रमोटर्स हैं वो इस शेयर के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं और गिरावट होती हुई देखने को हमें मिली है, तो ये जो सिचुएशंस है लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट का ये कारण हो सकता है। बट अभी के टाइम पे जो शेयर के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ आई उससे शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेजी आती हुई देखने को मिली, फिर शेयर डाउन गया, फिर इसमें तेजी सी आती हुई देखने को मिली। बट मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या अपडेट किया है वो जानते हैं, उसका असर इस शेयर पर क्या हो सकता है वो सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अपडेट्स के लिए BSE की वेबसाइट पे आए हैं, BSE की वेबसाइट पे आके यहाँ पे 10 तारीख को इन्होंने अपडेट किया है। ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें देख ली होंगी, बट जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको एक्चुअल इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करूँगा, और इन्होंने जो रीज़न दिया है वो कितना जस्टिफाइड है या कितना जस्टिफाइड नहीं है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो मैंशन किया है, तो इन्होंने मैंशन किया इन द लाइट ऑफ एडिशनल वर्कलोड ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू various reason including the pandemic the company intended to hold the AGM at a later date। तो ये जो सिचुएशन है इनके हिसाब से वो ये है, इन शॉर्ट के हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहा और पेंडेमिक के कारण या जो काफ़ी सारे और रीज़न हैं जिसकी वजह से हम AGM को लेटर डेट के लिए कर रहे हैं, और ये कम ये लगभग 3 महीने का डिले हो सकता है। तो कोई भी कंपनी जो इतनी AGM हुई है उनके लिए ऊपर भी वर्कलोड था, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका मार्केट कैप लाखों करोड़ों में है, हजारों करोड़ों में है, उन्होंने भी अपनी AGM को किया है इस कंडक्ट में, तो इनका जो रीज़न है वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि AGM के अंदर जो जनरली आप मैं और बाकी जो इन्वेस्टर्स थे ये सोच के चल रहे थे कि AGM के अंदर हो सकता है ऐसा अनाउंसमेंट हो जो डील के रिगार्डिंग, जो इन्होंने कंपनी के साथ एक डील कर रहे हैं उसके LOA के रिगार्डिंग या बाकी कोई अपडेट हो सकता है, बट उसको इन्होंने फर्दर 3 महीने के लिए डिले कर दिया। इन शॉर्ट डील की इन्फॉर्मेशन कभी भी आ सकती है नो डाउट, बट AGM बहुत मायने रखती है किसी भी कंपनी के लिए, और AGM से एक आउटलुक पता चलता है, उनके प्लान्स पता चलते हैं, उनके फ्यूचर का पता चलता है, और वो इन्होंने 3 महीने डिले कर दिया, और जो रीज़न दिया है मेरी नज़र में वो रीज़न कोई जस्टिफाई नहीं है। आपके वैल्यूज जो रीज़न से अलग हो सकते हैं, बट मेरी नज़र में कोई वैल्यू इस पर्टिकुलर रीज़न की नहीं है। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोला है कि ये शेयर में सारी चीज़ें सही हैं, बट ये जो बूस्ट करेगा वो तब करेगा जब मैनेजमेंट काफ़ी और अच्छा काम करेगा। एक डील किसी के साथ करना, कोई भी कंपनी बोल दे कि हम इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं तो उस पर तेज़ी आएगी, मगर क्या वो कितने दिन में सच होती है, कितने दिन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो मायने रखता है। जैसे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील है,
सबको पता है डील कंफर्म होगी, पर अमेजन ने उसमें जो अड़ंगा अड़ा रखा है जिसकी वजह से वो तेजी नहीं ले पा रहा है शेयर, तो सेम सिचुएशन हर किसी के केस में होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी इसके पर्टिकुलर के साथ भी है। अगर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखें इसके वॉल्यूम और बाकी सारी चीज़ों की, तो वीकनेस हमें यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिली, अपॉर्चुनिटीज हमको ज़्यादा होती हुई देखने को मिली है। शेयर के अंदर जो भी मोमेंटम है वो भी वेरी बुलिश बना हुआ है। वीकली बेसिस की बात करें या फिर डेली बेसिस की बात करें, मंथली बेसिस पे शेयर के अंदर बुलिशनेस होती हुई देखने को मिल रही है। 16 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए जो थर्सडे के दिन। और इस न्यूज का देखिए सर फ्रेंड, दो असर हो सकते हैं। पहला असर ये हो सकता है जो 100% था, देखिए 6% सेम कम्युनिटी सेंटिमेंट्स आ गए। इस न्यूज के दो असर हो सकते हैं, या फिर जिन लोगों को भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर या कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, वो यहाँ से इस शेयर में थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। और हो सकता है आपको मंडे के दिन इस शेयर में एक लोअर सर्किट भी देखने को मिले इस न्यूज के रिगार्डिंग। और यहाँ पे दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कंपनी अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 3 महीने तक हम या एजीएम नहीं कर सकते, या फिर 3 महीने के बाद एजीएम करेंगे, और वहां पे कुछ ऐसी अपडेट दे दे शेयर भाग जाए और वहां पर पछताना हो। तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड इसमें सेट कीजिए। जैसे अभी शेयर का जो प्राइस है 35 रुपीज 95 पैसे चल रहा है, 95 पैसे चल रहा है, तो आप इसमें सोच के चलिए कि आप कितना नीचे तक अगर शेयर जाता है तो वहां तक आप इसको वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस न्यूज का जो असर है वो आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। अगर शेयर में लोअर सर्किट नहीं लगता है या शेयर डाउन नहीं जाता है, तो इट मीन्स के शेयर के अंदर ऐसी कोई नेगेटिविटी जो है लोग नहीं समझ रहे हैं, और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है इसका कोई अदर रीजन हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझनी चाहिए। अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न में आपको ऑलरेडी ये वाला बता चुका हूँ, पर जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो यहाँ पे देखेंगे तो न्यू जो वॉल्यूम है वो जनरेट होने के आसार हैं, और शेयर के अंदर जो है वो काफ़ी सही बना हुआ है, जो बैलेंस बना हुआ है अभी के टाइम के लिए। तो शेयर में यहाँ से एक तेजी आ सकती है, बट इस न्यूज़ का भी असर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप अगर पैनिक करेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखने को मिल रहा है वो अभी के ये देखने को मिल रहा है कि इस शेयर के अंदर जो ये लाइन है ब्लू लाइन, ये अभी अप साइड पर चल रही है, तो इस शेयर में हाल फिलहाल जो है इसमें तेजी बनी रहती, पर इस अपडेट के बाद हो सकता है इस शेयर में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिले। हो सकता है लोअर सर्किट 1 दिन रहे 2 दिन रहे, बट अगर बाकी सारी चीज़ें कोई भरोसा है शेयर के ऊपर या फिर कुछ अलग चीज़ें कंपनी के फंडामेंटल से बाकी सारी चीज़ों पर अगर भरोसा है तो ये शेयर यहाँ से रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है शेयर के वो इतने खराब नहीं है। और शेयर का ग्राम वैल्यू जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो शेयर है वो उसका प्राइस अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू के आसपास है, तो उस हिसाब से शेयर के अंदर ऐसी कोई नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। प्लेस परसेंटेज को कम किया जा रहा है, कुछ काफ़ी सारे चेंजेस हैं बैकएंड पे किए जा रहे हैं, बट जो पैनिक सिचुएशन है वो किसी भी शेयर में कभी भी आ सकती है, तो पैनिक सिचुएशन से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अपडेट था, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मंडे को जो भी अपडेट रहता है वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे मार्केट के हिसाब से या चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो तब तक के लिए, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अपने अलग अलग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।